गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 2 एडिशन का अगला पार्ट देख रहे हैं। कल हमने जो वीडियो देखा था, मतलब कि लास्ट वीडियो हमने देखा था मंडे को, उसमें हमने अप्रैल मंथ का रिवीजन वर्क और चैप्टर 2 एडिशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने डबल सीखे थे। जो नंबर है उसी नंबर के साथ हमें प्लस करना था। एक बार उसका भी रिवीजन कर लेते हैं। 1+1=2, 2+2=4, 3+3=6, 4+4=8, 5+5=10, 6+6=12, 7+7=14, 8+8=16, 9+9=18। ये जो डबल्स है, डबल्स मीन्स जो नंबर दिया है उसी नंबर के साथ हमने ऐड किया है, प्लस किया है, उसी नंबर को हमने जोड़ा है। अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज एडिशन, व्हाट इज ऐड, सो व्हेन वी पुट थिंग्स टुगेदर वी ऐड देम। जब भी कोई चीज को हम किसी दूसरी चीज के साथ मिलाते हैं और उसके बाद उसकी जो टोटल काउंटिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं हमने ऐड किया। एंड द आंसर इज कॉल्ड सम। एडिशन के जो आंसर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सम। इतना तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब आज के जो वीडियो में सीखने जा रहे हैं वो है नियर डबल्स। नियर डबल्स क्या है देखते हैं। यूज योर डबल्स टू फाइंड नियर डबल्स। हमने डबल का यूज किया है और उसके बाद हमें नियर डबल्स सीखना है। स्टूडेंट्स, ये जो वर्क है वो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 27 पे है। पहले आप ये वीडियो समझ लोगे और उसके बाद अपने तरीके से खुद प्रैक्टिस करना। यहाँ पर स्क्रीन में आपको पांडा दिखाई दे रहे हैं, दोनों तरफ इक्वल है, मतलब एक तरफ भी 3 है और दूसरी तरफ भी 3 है। काउंट करो तो 1, 2, 3 एंड अदर साइड 3। अब यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है, मतलब दोनों नंबर सेम है ना, तो डबल्स ऑफ 3 कितना होता है, वेरी गुड, 6। लेकिन अगर दूसरी तरफ जो 3 है उसके अंदर 1 ऐड हो जाए तो उस तरफ कितने हो जाएंगे, यस 3+3+1 मोर कितना होगा, उस 3 के अंदर हमने 1 ऐड कर दिया है तो के कितने हो जाएंगे वो, 4। एक तरफ 3 है और दूसरी तरफ 4 है। 4 नंबर जो है वो 3 के जस्ट आफ्टर आता है, 3, 4, 1, 2, 3, 4 जो बोलते हैं ना, उसके बाद 3 के बाद कौन सा नंबर, 4। मतलब 4 है वो 3 के नियर है, तो 3+4 करेंगे। तो अगर आपको डबल्स आता होगा 3+3 यानी कि डबल्स ऑफ 3=6 और उसके अंदर +1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 7। ये नियर डबल्स है बच्चों। दोनों नंबर जब सेम हो और उसके बाद का जो नंबर ऐड करना है तो एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा। इसके लिए हम थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि कल हमने सीखा था 2+2=4, नियर डबल्स में 2+3 करें, यानी कि 2 के बाद जो 3 नंबर आता है वो, तो हमें तो पता ही है कि 2+2=4 होता है, लेकिन 2+3 कितना होगा, एक अंदर ऐड हो जाएगा तो वो हो जाएगा 5। 2+3=5। सेम उसी तरह से 4+4=8 यानी कि डबल्स ऑफ 4=8 एंड 4+5=9। ये नियर डबल है। 6+6=12 एंड 6+7=13। 5+5=10 एंड 5+6, 5 के बाद जो नंबर आता है उसके साथ ऐड करना है, =11। 7+7=14, 7+8=15। जब हम डबल्स में उसी नंबर को काउंट करेंगे तो उसका आंसर 14 आता है, लेकिन उसके बाद वाला अगर हम ऐड करें
तो उसके जस्ट आफ्टर वो भी वही आंसर आएगा, जैसे कि 7 + 7 = 14 है, दूसरे में 7 + 8 हमने किया, मतलब एक नंबर ज्यादा हो गया, तो इस तरफ 14 है तो दूसरे में आंसर क्या आएगा 15। 8 + 8 = 16, 8 + 9 = 17, मतलब आंसर भी क्या आएगा नियर ही आएगा। समझ में आया? अब ये जो वर्क है वो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 27 है उसमें करना है, ठीक है। ऊपर जो है वो डबल्स है और नीचे डबल्स एंड नियर डबल, वो एडिशन आपको करना है, उसके आंसर ही फिलअप करना है, ठीक है बच्चों। अब ये वाला जो वर्क है वो आपको नोटबुक में लिखना है चैप्टर 2 होमवर्क करके, ये इमेज मैं आपको भेज दूंगी। बच्चों हमने वैकेशन से पहले टेबल्स किए थे, एक बार उसके ऊपर फिर से हम नजर घुमा लेते हैं। 1 1 1, 1 2 2, 1 3 3, 1 4 4, 1 5 5, 1 6 6, 1 7 7, 1 8 8, 1 9 9 and 1 10 10। ये रेगुलर आपको घर पे बोलना है। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। Then 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 24, 3 10 30। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 28, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 30, 6 and 4 10 40। 5 की टेबल तो इजी है तो वो तो आप इजीली कर लोगे। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45 and 5 10 50। अब हम जो आगे टेबल है वो करने जा रहे हैं 6 7 and 8। ये आपको 1 से लेकर के 5 तक के जो टेबल्स है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में आप अच्छे से लर्न करके आए हो, लेकिन सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आपको 6 7 और 8 की टेबल पे करनी है, क्योंकि अगर आपको टेबल आएंगे तो आगे जब हम मल्टीप्लिकेशन के सम करवाएंगे तो आपको इजी रहेगा और उस वक्त आपको डिफिकल्ट भी नहीं लगेंगी। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 46, 6 9 54, 6 10 60। Now table of 7, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63 and 7 10 70। Now turn off table 8, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72 and 8 10 80। यहाँ तक की टेबल जो है वो आप लोगों ने अप्रैल मंथ में नोटबुक में लिखी है। अब आज की जो वीडियो है उसमें हम टेबल ऑफ 9 and 10 कंप्लीट करते हैं, और आपको सेकंड स्टैंडर्ड में 1 से लेकर के 10 तक के टेबल्स कंप्लीटली आने चाहिए, तो वो आपको रोज प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है बच्चों। रोज आपको प्रैक्टिस करना है इसके ऊपर। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 24, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 10 90। Now table of 10, 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40, 10 5 50, 10 6 60, 10 7 70, 10 8 80, 10 9 90 and 10 10 100। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने 8 तक की टेबल लिखी है तो वो नहीं लिखनी है, टेबल ऑफ 9 एंड 10 आपको नोटबुक में लिखना है, ठीक है। थैंक यू।